मंत्री पद के ठोकर इसलिए मार दी, जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा, इसलिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। जब मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, आरक्षण के नाम पर पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा। मैंने तो अभी इस भजन लाल सरकार में मंत्री पद के ठोकर इसलिए मार दी, जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा, इसलिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। और सुन लो, चुनाव से पहले लोग कहते थे कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, तो आ गया। लेकिन मैं इस हाई कोर्ट में कह के जा रहा हूं, मोदी के रहते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल की जिम्मेदारी है, आरक्षण के नाम पर पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा। अब लोग क्या कह रहे हैं, अब विरोधी क्या कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, ये तो बीजेपी करा रही है। इसमें भी मैं गारंटी लेता हूं, चाहे छाती छमनी हो जाएगी, लेकिन आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। देखो, मैं बजरंग बली जी की तरह तो हूं नहीं जो छाती फाड़ के आपको बता दूं, लेकिन पपलाज माता की कसम खा के और मेरी माँ की कसम खा के आपके बीच में कह के जाता हूं कि इसमें मैं एक पाई नहीं कमाऊंगा, सारा समाज को समर्पित करने का काम करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला, जरा सुन लो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला को पढ़ो, पढ़े लिखे बच्चों, अगर आप लोग उसके पक्ष में नहीं हो तो मैं भी आपके साथ हूं। और सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल डॉक्टर बन गया, उसका भाई आईएएस बन गया, डॉक्टर किरोड़ीलाल एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री बन गया, तो और का तो नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्रीमी लेयर, आप जो बहन बेटी बैठी है दूध को पकाती है, जब ऊपर क्रीम आ जाती है, क्रीम उसको हमारे उधर थर कहते हैं, थर, जो आरक्षण का फायदा उठाकर जो थर को खा रहे, थर को, मलाई को। आप कभी मेरे गांव आना, मेरे गांव में मेरा टूटा घर था, मेरा घर दोगुना हो गया, पक्का बन गया, मेरे भाई नौकर हो गए, मैं हो गया, बेटा भतीजा एमएलए हो गया, लेकिन मेरे बगल में एक 35 साल से एक व्यक्ति पहाड़ में पत्थर निकाल के अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका सारा हक किरोड़ीलाल ने छीन लिया, मेरे पड़ोसी को नहीं मिल रहा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस गरीब को मिलाओ जो पिछड़ गए, ये सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। अब पेट में दर्द किसके है, पेट में दर्द किरोड़ीलाल, नमोनारायण, हरीश, मुरारीलाल, जसकौर, रामकिशोर, इनके नहीं। तो मेरा अधिकार कटेगा चिल्लाऊंगा, इसलिए चिल्लाने वाले वो है मेरे भाई, जिनकी थर पापड़ा के करीब व्यक्ति को, किसान को मिल रही है खाने के लिए, वो चिंता। फिर भी मैं कहता हूं, आपको बहकाने वाले आए तो बहकाने वाले से सावधान रहना, आपकी थर को भी डॉक्टर किरोड़ीलाल नहीं लुटने देगा, इस बात का भरोसा सभी भाई को देना। तब क्या है ना, कोई आरक्षण साहब के साथ खतरा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझ गए मेरी बात को, और पड़ेगा तो मैं आपके लिए बलिदान देने तक के लिए तैयार हूँ, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मानोगे फिर बैठोगे, चलने वाला है क्या?
विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं बोलते हो? जो विधानसभा और लोकसभा में जो हमारे नेता बैठे हैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ, एसटीएससी के भाइयों को, तुम दोनों को खुश रखना चाहते हो नहीं सकता। आप बोलो संसद में, आप बोलो विधानसभा में, अगर आपको अच्छा नहीं लगता बोल नहीं सकते, उनमें दम नहीं है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, ये राजनीति की सभा नहीं है। मैं तो ये समझाने के लिए आया हूं कि मैं मेरी स्वर्ग सिधारी माँ की कसम कहना चाहता हूं कि एक इंच जमीन का एक पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। और अभी तो हमारा 10 लाख रुपए साल का इसका खर्चा हमको देना पड़ रहा है, कहीं कहां से लाए, उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। हाँ, कोई स्कूल चलाना पड़ेगा, कोई विद्यालय अच्छा चलाना पड़ेगा, कोई कहीं होटल चलाएगा, वो होटल से कमाएगा। ऐसी तो मैंने हजारों होटल छोड़ दी मेरे भाइयों, करोड़ों रुपए के ठोकर मार दी। आपकी आन बान शान के लिए आपके कलंक लगना चाहिए, आपके जीवन को बाकी लाल कतई कलंक कितनी होने देगा, इसका वादा मैं आपकी सभा में कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, जो घोषणा की है वो तो अलग बात है, पर किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही तो हाई कोर्ट करेगा। किसी गरीब का होशियार बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा जो समाज को यहां से करोड़ों की रुपए की आय गरीब की भलाई में तो आप खर्च करोगे, ऐसी व्यवस्था आपका। आप कितनी परेशान पहचाने बनाएंगे, जेब भरने वाली होती होली तो मैं दूसरे नेताओं की तरह आरक्षण में भर लेता, और आपको भी दूसरे नेताओं ने आरक्षण में भर लेता। अब आप भरोसा करो, जब 2007-08 में आपके आरक्षण पर आज पड़ी थी तो कितनी एमएलए थे, सबने भरोसा दिया था, लेकिन तो एमएलए साथ रहते कन्हैयालाल पाल जी थी ब्रह्मा विष्णु महेश की ताकत पर आरक्षण की चिट्ठी तो रुक गई, लेकिन मैं बिना बात गुजर भाइयों के निशाने पर आ गया। अब मेरे दीवान में तय कर रखा है कि एसटी में से नहीं पंचायत हुई थी। मैंने कहा था हमारे 12 बीघा की पार्टी है 12%, एससी की 16 बीघा की पार्टी है 16%, और हमारे बगल में कोई दूसरा खेत खरीदना चाहता है लेना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यही लोगों ने नहीं माना। एससी को नहीं, गुजर समाज के जो मांग थी सरकारों ने पूरी नहीं की। मैं यहाँ पर चोर की मांग पेंडिंग रही है, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर होगा, चाहे मैं सरकार में हूं। इसका भरोसा मैं आपको देना चाहता हूं। ये टोटल 101 बीघा जमीन है मेरे भाइयों, 60 तो इधर है 41 उधर है। हम इधर एक छोटी सी गौशाला खोलना चाहते हैं, एक बड़े संस्कृत एक बड़े विद्वान को बैठाना चाहते हैं, वेद विद्यालय खोलना चाहते हैं, सनातन संस्कृति और आदिवासी का पैनोरमा अभी भजन लाल जी ने घोषणा किया ना पैनोरमा की, तो पैनोरमा यहाँ पर बनाएंगे तो किस किस महापुरुष ने क्या क्या किया तो कुछ नहीं। जब लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा था, जब राम ने विलाप किया था और हनुमान को कहा था संजीव बूटी लेके आओ, हनुमान सारे पहाड़ को उठा के लेके आ गया था, लक्ष्मण के प्राण बचाए, लेकिन मेरे भाई की भी 50 साल पूरी सहायता करने के लिए मदद नहीं कर सका, इसका मेरे लिए जीवन भर।